तो सब वोट तो उनका हो ही गया है, तब जाके अब बैठे जाके सर्टिफिकेट ले लेंगे, काहे ला ले के दौड़ रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी हवा विपरीत गई और आप जो है पोस्टा खोल करके भाग गए। ये कम्युनिस्टों का पहचान नहीं है। चंद्रशेखर जी के हत्या में हमने उस समय कहा था कि FIR दर्ज हम करेंगे, इतना ही वो हमारे जाति के थे इसलिए कर रहे हैं, और जाति की बात उठा करके किए और उन्होंने होस्टाइल कर गया, भाग गया गवाही देने से। हम लोगों ने जा करके गवाही दिया, गवाह बने हम, और हमने गवाही दिया और लोगों की सज़ा भी हुई। तो ये हम कह रहे हैं कि वे लोग क्या दावा करेंगे जो भगेड़ू लोग हैं। लड़ाई के मैदान से आप भाग जाइएगा तो आपको लड़ाकू कहा जाएगा, ऐसा कहीं सुने हैं आप? भाजपा को सत्ता से बाहर करना, संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से बाहर करना, संविधान को बचाना, तो हम इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अच्छा, एक बात आता है, रमेश कुशवाहा जी बोलते हैं कि जब 90 के दशक में माले को उठाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ था, माले को मैंने बनाया, माले को मैंने सींचा, लेकिन मैंने माले छोड़ दिया है। वो लोग क्या बात करेंगे जो माले में अभी हैं और दूसरा दूसरा बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीति है वो यही है कि कोई व्यक्ति जब कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, लाल झंडा उठा के शपथ लेता है, तो वो कोई दो चार दिन के लिए नहीं लेता है, वो जीवन पर्यंत के लिए लेता है। और जीवन पर्यंत जब झंडा वो उठाता है तभी उसको कम्युनिस्ट कहलाने का हक होता है और उसको कम्युनिस्ट मान लिया जाता है। कम्युनिस्ट का एक महत्व है समाज में। अभी कुछ वो बातें दबी हुई है, हम लोग उस बात को उठाएंगे। तो ये है एक कम्युनिस्ट का पहचान कि जो जीवन पर्यंत झंडा को लहराए रखा। कम्युनिस्ट का पहचान ये नहीं है कि हम गए और थोड़ा सा आंदोलन हुआ, थोड़ी सी दबाव पड़ी, केस का डर हुआ, जमींदारों के डर से, अपराधियों के डर से सरेंडर कर जाए, वो कोई कम्युनिस्ट तो है ही नहीं। और उन्होंने ये काम करने में माहिर रहे। चंद्रशेखर जी के हत्या में हमने उस समय कहा था कि FIR दर्ज हम करेंगे, इतना ही वो हमारे जाति के थे इसलिए कर रहे हैं, और जाति की बात उठा करके किए और उन्होंने होस्टाइल कर गया, भाग गया गवाही देने से। हम लोगों ने जा करके गवाही दिया, गवाह बने हम, और हमने गवाही दिया और लोगों की सज़ा भी हुई। तो ये हम कह रहे हैं कि वे लोग क्या दावा करेंगे जो भगेड़ू लोग हैं। लड़ाई के मैदान से आप भाग जाइएगा तो आपको लड़ाकू कहा जाएगा, ऐसा कहीं सुने हैं आप? तो लड़ाई के मैदान से भागने वाला लोग यह बात अगर बोलते हैं तो वह बिल्कुल गलत है। ये बात बोलने का हक उसी को होता है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जो लड़ाई में गया और डटे रहा, लड़ाई विभिन्न, ये तो तय है ना कि आप जब लड़ाई शुरू करेंगे तो कई तरह के उलझने आएंगी, इसे तो आप नहीं ना बचेंगे।
हम लड़ रहे हैं तो फर्जिए सही हम पर जो फर्जिए केस लोग कर दिया तो हो ना गया कि अब सचदेव राम की सजा हो जाएगी, लेकिन हमने तो किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, हम अपने न्याय के लिए लड़ते रहे, अंततः कोर्ट हमको बरी किया। तो कम्युनिस्ट तो वो होता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी में रहने का जाने का करने का मतलब ये होता है। हाँ नहीं, थोड़ी सी हवा विपरीत गई और आप जो है पोस्टा खोल करके भाग गए, ये कम्युनिस्टों का पहचान नहीं है। अब आप कोई अपने स्वार्थ में, बहुत सारा लोग आता है अभिनो, कुछ समस्याएं रहती है तो लोग आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ के हल कर देती है, वो फिर थोड़ा चले भी जाते हैं किसी दूसरे दल में, तो हम लोग उसका जो है नहीं, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जन समस्याओं को हल करने में हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उससे लोगों को न्याय मिल जाए, लोगों की राहत मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा, उनका मानना है कि 50% मान ले मुझे वोट देगा, रमेश कुशवाहा जी का मानना है कि 50% माले मेरे साथ हैं और मुझे वोट देगा। अब मैं क्या कहूँ, तो सब वोट तो उनका हो ही गया है, तब जाके अब बैठे जाके सर्टिफिकेट ले लेंगे, काहे ला लेके दौड़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ, पपौर मोड़ तरवारा रोड सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन के पास 6 MLA हैं, मालूम है ना आपको। अब 6 MLA जितना काम करेगा, एगो व्यक्ति उसमें कहीं दिखाई पड़ेगा ये लोकसभा क्षेत्र में। 6 MLA है, 6 MLA के जो बोटवा मिला है वही जोड़ दीजिए तो 6 लाख हो जाता है कमोबेश। इसलिए महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी जीतेंगे, और सामाजिक रूप से कहिए तो सामाजिक रूप से सभी शक्तियाँ ही महागठबंधन में है, सभी। ऐसा कोई समाज के जो वोटर्स हैं वो हमसे महागठबंधन से अलग नहीं है। अगर मैं बात करूँ राजपूत, भुंजार, कायस्थ, अदरवाइज 3% मुसलमान की, तो उनका मानना है, महीना साहब का के पार्टियों का मानना है, उनके लोगों का मानना है कि हमारे साथ है। देखिए, आप अपना मन में कोई बात पाल लीजिए, मन बना लीजिए, तो समाज उससे नहीं चलता है, राजनीति उससे नहीं चलती है, मन से नहीं चलती है, राजनीतिक परिस्थिति होती है। और आज देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है वह माना जा रहा है कि आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। ये NDA की सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश बेच रही है, और इसको आज बचाने की ज़रूरत है। और हर आदमी की यही मनसा है, हर आदमी यही सोच रहा है कि हमें संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो वैसे परिस्थिति में हमारे पास, आपके पास, किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, तब आप ये लेकर के घूमेंगे भी नहीं, घूमने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति को देश पर थोपने की कार्रवाई चल रही है, मनुस्मृति थोपने की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में
मनुस्मृति के बारे में पढ़े हैं? जब मनुस्मृति था तो लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था, कोई आरक्षण नहीं था, जो दबे कुचले समाज ऊपर उठे, तरह तरह के लोगों के भाषण देने का अधिकार नहीं था, और उसी को फिर थोपने की कोशिश हो रही है। इसलिए देश की जनता मनुस्मृति को रोकना चाहती है और संविधान को बचाना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में पूरी जनता महागठबंधन के साथ है, और महागठबंधन ही रोकेगा, कोई एक्का दुका लोग इसको नहीं रोक सकते हैं, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को नहीं रोक सकते हैं, दंगा को नहीं रोक सकते हैं। या रोकने का काम करेगी तो उसका नाम है महागठबंधन, जिसके उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी और हम लोग। ये सीट तो मुझे मिलना था, लेकिन हम लोगों ने हम नहीं मिला, फिर भी हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। हमारी जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो निशाना है, वो है भाजपा को सत्ता से बाहर करना, संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से बाहर करना, संविधान को बचाना। तो हम इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। 400 पार का मतलब ये क्या है? कोई भी पार्टी बहुमत मांगती है जनता से, संख्या नहीं बताती है। 400 पार का मतलब यही है, संविधान पढ़ लीजिए कि 400 पार जिससे पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, 400 पार संख्या से जो मेजोरिटी की सरकार बनती है, वो सरकार संविधान बदल देगी, और उनको संविधान बदलना है, ये उदाहरण है। और इसीलिए वो 400 पार के बात कर रहे हैं, और जनता कह रही है कि आपको 200 पार नहीं होने देंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।